अरे कोई तो बहुत ही क्यूटली प्यार से चीज़ों को समझा रहा था अम्मा को, अम्मा चलो एक्सरसाइज करे, कसरत करे, क्यों ना, ठीक नहीं हो रहा आपको? मेरी सास को क्या हो गया, क्यों कसरत क्यों नहीं कर रहा आई नो नहीं करते, पर थोड़ा सा करेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। आज की अम्मा ने एक्सरसाइज बहुत बुरी तरह से रोक दी है, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल गया क्या नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आया। बट जहाँ पर वो बहुत ही क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट में उठकर एक्सरसाइज करती थी, अभी वो बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैंने उनसे बात भी की कि कहीं कोई पेन तो नहीं हो रहा है, हो सकता है एक्सरसाइज करने से कोई पेन वगैरह हो गया हो, नहीं वो भी नहीं हुआ। फिर मुझे जैसे लगने लग गया कि कोई नज़र तो नहीं लग गई, मतलब इतना अच्छे से सब कुछ हो रहा था, ऑल सडन आपने रोक दिया, तो मैं वही उनसे कन्फर्म कर रही थी, पर वो नहीं ही बोल रही है, तो होपिंग कि इन फ्यूचर वो हाँ बोलना चालू कर दे, बट इस समय तो पता नहीं क्यों नहीं बोल रही है। तो थोड़ी सी बात की जाए, उनका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट किया जाए, राइट। हाँ अम्मा क्या खाओगे आज खाने में? पूरी नहीं, उस दिन क्या हुआ था पूरी खाकर? नहीं पूरी नहीं, मूली के पराठे बना लूँ। अम्मा का थोड़ा सा तबीयत हो गया था, पेट थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो गया था, तो मूली का पराठा बना लो। मूली का पराठा खाओगे? खिचड़ी बना दो। खिचड़ी नहीं, मूली का हमको तो सभी अच्छा लगता है, बट राज को तो बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ें अच्छी लगती है, जो मतलब एकदम घास फूस हो। मूली पराठा खाओगे या और कुछ खाना तो भी चलेगा? पिज़्ज़ा नहीं, हाँ पूरी थोड़े दिन के बाद खाएंगे, अभी दाल पूरी देखिए थोड़े दिन पहले ही खाई है ना हम लोगों ने, सो राजमा मैं भिगो देती हूँ तो कल बनेगा। राजमा भिगोना पड़ता है बेटा, ऐसे नहीं कि मैंने सीधा बना दिया, ऐसे नहीं होता ना, भिगोना पड़ता है। मैं अभी भिगो देती हूँ तो कल बन जाएगा कड़ी। तो आप सोच लो, आप सोच लो और कुछ खाना है तो। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मैं गई थी शॉपिंग करने अनिका के बर्थडे ड्रेस की, और तब मैं वहाँ से बहुत सारे प्लांट्स लेकर आई, जिन प्लांट्स को मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि कल के व्लॉग में मैं नहीं दिखा पाई थी। तो सबसे पहला प्लांट मैं आपको दिखा दूँ जो कि मैंने यहाँ पर ज़मीन पर रखा है, आप देख सकते हैं, जो कि एक मनी प्लांट है, नॉर्मल सा, पर मनी प्लांट बहुत क्यूट सा अच्छा सा दिखता है। फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा मनी प्लांट है, हाँ, और वो वहाँ पर लाइट्स है जो मैंने निकाली है, कुछ चीज़ें सोची है मैंने, तो अभी मैं उसके लिए काम करूँगी, बट ये प्लांट एक मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद मैं और एक प्लांट लेके आई हूँ जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, और भी है, तो ये प्लांट मैंने यहाँ पर रखा है, काफ़ी क्यूट लग रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ के लिए मुझे और कुछ चीज़ें लेनी है जो मैंने सोच कर रखी है, और उसके बाद मैंने इधर बेबी, उसके बाद मैंने ये एक प्लांट सेंटर टेबल के बीच में, मतलब सेंटर टेबल पर रखी है, आप देख सकते हैं। हाँ, सो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर भी चेंजेस की है, इनके बारे में भी बताऊँगी, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है अभी। और एक प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर है, तो चलिए बेडरूम में, और ये देख सकते हैं यहाँ पर है एक प्लांट, और ये मुझे एक बहुत ही स्वीट से सब्सक्राइबर ने लखनऊ में गिफ्ट किया था, जिसे मैंने बहुत दिनों से संभाल कर रखा था, तो आज मैंने इसे निकाल कर यहाँ पर रख दिया। एंड इसके अंदर 30 कोट्स है वुमन के लिए, जिससे वुमन्स हमेशा मोटिवेटेड रहे। सो सबसे पहला कोट मैं बता दूँ, नोबडी कैन स्टॉप योर विल टू अचीव समथिंग। सो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, दिस इज़ हाउ। ओके सो मैं इस तरह से कुछ चीज़ों पर काम कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मेरा प्रॉपरली सब कुछ हो चुका है, बट यस। एंड इस ऑरेंज प्लांट को मैंने अभी यहाँ पर प्लेस कर दिया है, पहले ये यहाँ पर रहता था आपको पता है मिरर के बाजू में, पर यहाँ से हटाकर मैंने उधर के साइड कर दिया। सो घर में हो गई है बहुत सारी हरियाली, जो कि आँखों को काफ़ी ठंडक दे रही है।
तो चलिए मैं कुछ सोच रही हूँ घर के लिए, वो कर लेती हूँ, देन आई विल शो यू। तो मैंने अभी अभी कुछ करने की कोशिश की है, मैं ये नहीं बोलती दी बेस्ट है, पर देखना तो बनता है गाइस। तो मैंने इस प्लांट के कुंडी के यहाँ पर ये जो लाइट्स है ये लगा दी है, जिन्हें मैंने बेडरूम से हटा दी है, तो इस तरह से लगाई है और काफ़ी क्यूट लग रहा है ये प्लांट, राइट? देख सकते हैं आप। सो इसकी सेटिंग्स ऐसे होना चाहिए, राइट? सो मेरे पास ये भी लाइट थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये लाइट ख़राब हो चुकी है। मेरे पास और भी लाइट्स हैं, मैं उन्हें चेक करूँगी, और उससे पहले मुझे खाना भी बनाना है। पर अभी जो भूत सवार हुआ है सर पर, उसे थोड़ा सा तो हटा दूँ, नहीं तो खाने बनाने में मन नहीं लगेगा। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो ना, उसे पहले कर लिया जाए और उसके बाद बाकी की चीज़ें करें ना, तो मज़ा आता है। तो चलिए भूत सवार उतारते हैं थोड़ा और। सो फाइनली थोड़ा सा जो पेड़ पौधों का और लाइटिंग का भूत था वो उतरा और मैं किचन में आई। वैसे मैं बता दूँ आज किचन में मैं बहुत लेट आई हूँ, बट थैंक्स टू पूजा जो कि मुझे हेल्प कर रही है, और रोज़ ही करती है पर आज भी कर रही है। और अभी मैंने टमाटर चढ़ा दिए हैं जिनकी मैं बनाऊँगी चटनी। और मैंने क्या नोटिस किया कि जो मूली है, बाय द वे हवा बहुत अच्छी आ रही है पीछे से, बहुत ही अच्छी आ रही है। सो जो मूली है, मूली को कद्दूकस कर दिया है, अब इसे मुझे निचोड़ना है। मूली मुझे थोड़ी कम लगी इसलिए मैंने आलू भी उबाल दिया, तो आलू को भी कद्दूकस कर रही है पूजा। उसके बाद हम लोग आलू और मूली के पराठे मिक्स बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं, और जितना हो सके मैं दिखाऊंगी। ओके,
गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? सो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। लास्ट नाइट जैसे हमारा खाना हुआ उसी के बाद लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो आई ऑलमोस्ट 25-30 मिनट्स के बाद। तब तक हम चारों ने मिलकर बहुत सारे गप्पे हाके, बट तब तो 10 बज रहे थे, तब 10:30 बजे तक तो गप्पे हाँकना ठीक था। उसके बाद सबको नींद आने लगी तो 10:30 बजी लाइट आ गई। लाइट आई जब तक हम लोग हमारे सोने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि खाते ही लाइट चली गई थी तो सारी डाइनिंग टेबल पर जो प्लेट्स वगैरह पड़ी थी वो वैसी पड़ी थी। किचन मेरा थोड़ा सा मेस था। अब मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर ही रही हूँ कि लाइट वापस चली गई। अब वापस चली गई फिर अभी हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें। फिर मैंने अम्मा को इमरजेंसी लाइट वगैरह लगा कर नाइसली सुलाया। और यहाँ पर लाइट हमेशा नहीं जाती, इसलिए हमारे घर में इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं है। लिफ्ट में है जनरेटर पर घर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइट रेयर जाती है। और दिल्ली गुड़गांव में तो वही रोज़ जाती थी, लोड शेडिंग होती थी, तो वहाँ पर तो उस बिल्डिंग में ही जनरेटर वगैरह सब रहता था, पर यहाँ पर ऐसी हार्डली कोई बिल्डिंग्स होंगी। तो फिर लाइट आई वापस गई, आई वापस गई, आई वापस गई, ये सिलसिला चलता रहा 11:30-12 बजे तक। आ रही थी जा रही थी। सो फाइनली जब लाइट आई तब नींद उड़ चुकी थी मेरी, अनिका की तो उड़ चुकी थी, अम्मा सो गई थी और राज भी, उनको भी नींद आ रही थी। फिर हमने क्या किया, अनिका का जो 5th बर्थडे व्लॉग है वो चेक किया, बिकॉज हम लोग सुपर डुपर एक्साइट है। सो मैंने बोला बेबी हम लोग 5th आज देखते और आज की रात में, मतलब कल की रात में देख और आज की रात में हम 6th बर्थडे वाला देखेंगे। सो इस तरह से हम लोगों ने रात में वो किया। और आज अनिका स्कूल नहीं गई है, कल से तो अनिका को वापस से हॉलीडे, आज नहीं गई है क्योंकि आज अनिका को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है डेकोरेशन की, तो वो तैयार ही नहीं है। नहीं मम्मी मैं स्कूल चली जाऊंगी तो मैं बहुत लेट आती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मेरी शॉपिंग नहीं होगी। नहीं मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं आज नहीं जाऊंगी, इतना ज़िद इतना ज़िद कि नहीं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, क्यों तो मुझे मेरी बर्थडे की तैयारी करनी है। फिर मैंने भी सोचा चलो बच्चे एक्साइट इसीलिए होते बर्थडे वगैरह, ये निकाल रही थी, तो बर्थडे वगैरह चीज़ें ऐसी होती है कि बच्चों को बड़ा एक्साइट कर देती है, आप सभी को पता ही है। सो मैंने भी बोला ठीक है चल रहने दे। और मेरी एक्चुअली आज ही मेन तैयारी होनी है, आज मुझे थोड़ा शॉपिंग पर भी जाना है, जो चीज़ें मुझे लेनी है उनको मैंने भी अलाउ कर दिया कि ठीक है। फिर अभी मैं चाय बना रही, बैठे हुए मैंने बताया कि नहीं मुझे याद नहीं है, तो मैंने भी बोला ठीक है भाई चल आज छुट्टी कर ले। तो बस यही सब चल रहा है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी अभी मैंने बायोटिक का बायो पपाया विजिबल एजलेस स्क्रब वॉश यूज़ किया है। ये बेसिकली एक फेस वॉश है और इसके अंदर स्क्रब भी है और ये आपकी स्किन को सी फ्रेश पॉलिश एंड ग्लोइंग स्किन बनाता है। आयुर्वेदिक है, 100% बायोटिकल एक्सट्रैक्ट्स है। तो बायोटिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता ही होगा, एंड आई एम श्योर कि लाइफ में कभी ना कभी एक बार दो बार तो अपने बायोटिक के प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ पर मिलते हैं और इतना सारा इनका जो स्किन केयर रेंज आता है, हेयर केयर रेंज आता है, तो ऐसा हो ही जाता है कि कभी ना कभी यूज़ किया होगा। तो ये एक ऐसा फेस वॉश है जो कि मैं आपको हमेशा रिकमेंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये चाहे आपकी स्किन मतलब नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, पिंपल प्रोन हो, हर स्किन के लिए बहुत नाइसली काम करता है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, इसके जो स्क्रब्स हैं ना वो बहुत नाइसली जेंटली काम करते हैं आपकी स्किन पर, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं लगेगा कि बहुत हार्श है। सो ये फेस वॉश अगर आप मुझे पूछेंगे ना कि किरण बेस्ट फेस वॉश के बारे में बताओ, तो वो
ये तो होना ही चाहिए, पपाया का जो बायोटिक का है ये तो होना ही चाहिए। और फेस वॉश करने के बाद मैं थोड़ा सा ये जो बायोटिक का बायो डेडलेशन विजिबल एजलेस सैरम लगाती हूँ। तो ये मैंने मॉर्निंग जब मेरा रूटीन रहता है, जब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती तो बस फेस वॉश करके इस सैरम को बस अपने चेहरे पर इस तरह से डैप कर लेती हूँ और मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। ये जो सैरम है ये काफ़ी नाइसली स्किन को मॉइस्चराइज करता है, काफ़ी लाइट वेट है, बाकी सैरम के जैसे ऐसे ऑयल बेस वगैरह नहीं है, वाटर बेस है। और बेस्ट पार्ट की मैंने इसके रिज़ल्ट अच्छे ही देखे हैं और बायोटिक का है तो मुझे मतलब विश्वास जैसा रहता है कि हाँ अच्छा ही है। सो मुझे लगता है कि ये विश्वास की वजह से ये और अच्छे से मेरे स्किन पर काम करने लगता है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि purple.com पर हमेशा ही कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो 20% फ्लैट ये जो बायोटिक का ब्रांड है इस पर चल रहा है सेल। तो आप जो भी प्रोडक्ट साइट से करेंगे आपको मिलेंगे 20% ऑफ पर। और सेकेंड चीज़, अगर आप मोबाइल ऐप से इनकी शॉपिंग करते हैं तो आपको 15% ऑफ और मिल जाएगा, तो टोटल हो गया 35%। तो अगर आपको 35% में ये प्रोडक्ट मिलेगा तो आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। जैसे मैं आपको एक प्रोडक्ट की कीमत बताना चाहूँगी, जैसे ये जो बॉडी लोशन है बायोटिक बायो विंटर चेरी रिजोनेटिंग बॉडी नरिशर, ये बॉडी लोशन है। और मैं बता दूँ ये मैंने सेकेंड टाइम के लिए रिस्टॉक किया है सारा प्रोडक्ट। मैं 2 महीने पहले बायोटिक की शॉपिंग कर चुकी थी, फिर मेरे वो प्रोडक्ट ख़त्म हो गए क्योंकि मैंने पूरी तरह से यूज़ नहीं किए पर मेरे फैमिली ने किए, फिर मैंने इन्हें रीस्टॉक किया। और जैसे ये 180 रुपीज़ का बॉडी लोशन है, इस पर 35% ऑफ हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स कितने आपको सस्ते में मिल जाएंगे। लाइक ये जो बॉडी लोशन है ना, ये क्या लिखा है इस पर कि बायो विंटर शेरी, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हेवी सा बॉडी लोशन होगा, चिपचिपा लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट है मतलब आपके स्किन के लिए। लाइक मैं अभी अपनी मॉइस्चराइज स्किन और ये वाली स्किन दिखाती हूँ, डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। और मेरे जो हस्बैंड है वो ये बायोटिक का ग्रीन एप्पल वाला फ्रेश डेली प्योरीफाइंग शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करते हैं, बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं। ये आई थिंक उनकी सेकेंड बॉटल है, मैंने अभी अभी मंगवाई है, सो यू कैन सी द फुल बॉटल, तो काफ़ी नाइसली काम करता है। द बेस्ट पार्ट की ये डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है। लाइक मतलब हस्बैंड लोगों को क्या ज़्यादा चाहिए नहीं होता बालों के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग आप सभी को पता होगा। सो दिस इज़ समथिंग लाइक कि ईजीली नाइसली काम करता है, विथ 100% नेचुरल है। तो ये भी नहीं कि यार डेली शैम्पू कर रहे हैं तो यार केमिकल वो हो रहा है, नहीं, एटलीस्ट थोड़ा तो सेफ ही है बाकी शैम्पू से। और एक जो सोप है मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक यू गाइज नो कि मुझे शॉवर जेल्स पसंद है बट मेरे हस्बैंड को सोप्स पसंद है, सो ही लव टू यूज़ दिस बायोटिक का बायो हिमालयन प्लम वाला रिफ्रेशिंग बॉडी सोप। और आपने लास्ट टाइम भी देखा था कि वो यही यूज़ कर रहे थे, तो मैंने इसका भी स्टॉक अच्छे से बना कर रखा है। ये पूरा सोप ऑलमोस्ट 15-20 days ऑलमोस्ट चला जाता है अगर एक ही पर्सन यूज़ करे तो वो अकेले यूज़ करते तो आराम से 15-20 दिन चला जाता है। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मेरे पास हमेशा रिक्वेस्ट आती है कि बायोटिक की अच्छी क्रीम बताएं, बायोटिक की अच्छी क्रीम बताएं, सो मैं आज आपको बताना चाहूँगी बायोटिक की ये बायो कोकोनट वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम है। दिस इज़ रियली गुड फॉर ड्राई स्किन, मैं ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ऑयली स्किन पर ये थोड़ा सा ऑयल क्रिएट करेगा, और क्योंकि ड्राई स्किन को तो बहुत नाइसली मॉइस्चराइज करता है इसलिए मैं बता रही हूँ। एंड ऑब्वियसली इट हैज़ कोकोनट, तो कोकोनट तो बेस्ट होता है ड्राई स्किन के लिए। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव, दिस इज़ द बायोटिक बायोविट जर्म यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम, जो कि अगेन राज यूज़ करते हैं, मैं कोई और यूज़ करती हूँ बट जब से मैंने राज को बायोटिक के प्रोडक्ट्स दिए हैं वही ये यूज़ करना पसंद करते हैं। सो ये उनकी आई थिंक सेकेंड बॉटल है, यस ये सेकेंड बॉटल है। दिस वर्क्स अमेजिंग ऑन हिज स्किन, उनकी स्किन ऑयली है, ऑयली स्किन पर बहुत नाइसली ये काम करता है। एंड ये जो कोकोनट वाली है ये मैं यूज़ करती हूँ बट नॉट ऑन डेली बेसिस, कभी कभी। सो ये वाली जो है
ये राज यूज़ करते हैं एंड ही ऑलवेज टोल मी कि अच्छे से काम करती है। लाइक दिन के टाइम पर आपने देखा होगा कि वो निविया का लगाते हैं, बट अगर वो घर पर ही है और अगर उनको अच्छे से कुछ लगाना है तो वो ये लगाते हैं। सो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फ्लैट 35% ऑफ पर आपको मिल रहे हैं, तो आपकी जो प्राइस है ना वो बहुत कम हो जाएगी। प्लस अगर हो पाए तो मैं आप सभी के लिए डिस्काउंट कूपन कोड भी मेंशन कर दूंगी। मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बट अगर कर दूंगी तो नीचे मिल ही जाएगा, राइट। तो चलिए अभी बाकी का रूटीन करते हैं। तो हॉल की जितनी भी क्लीनिंग है, डस्टिंग है, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है और बड़ा अच्छा लगता है जब सुबह सुबह आपका घर ना सारे जन उठने से पहले ही चमक जाए ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो सारा हॉल एकदम नाइसली सेट क्लीन, और मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी, बट जो हम लोग इसेंशियल ऑयल डालकर डिफ्यूज़र चलाते वो भी मैंने लगा दिया, तो इस पूरे हॉल में इतनी अच्छी खुशबू फैल चुकी है और हल्की हल्की बारिश हो रही है तो माहौल भी ठंडा हो गया है। बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब मस्त लग रहा है। सुबह के टाइम पर जब ये वेल सेट रहता है ना पूरा, तो अच्छा लगता है। थोड़े देर में इधर उधर हो जाता है, बट वो तो भाई हर घर में होता है। फैमिली है, मेस नहीं करेगी तो हम साफ क्या करेंगे, राइट। ओके, तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि आज हम लोग छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे डेकोरेशन के लिए, बर्थडे डेकोरेशन, एंड साथ ही साथ पता नहीं और क्या क्या चीज़ें करेंगे। और आज अनिका भी घर पर है तो फुल ऑन धमाल मस्ती होने वाली है, तो चलिए वो सब तो आप देखेंगे मेरे रोज़ के ब्लॉग में, राइट। और बस बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ अपने घर को ठीक कर अच्छा कर साफ कर। तो पूजा आ चुकी है, पूजा बस अभी ब्रेकफास्ट के लिए जो चीज़ें मैंने काटने के लिए बोली है वो काट रही है। जैसे उसकी काट कर हो जाएगी तो मैं ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाऊँगी। तो ये हमारी एवरीडे रूटीन है एज यू नो गाइस। तो चलिए फिर बाय बाय, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।